मेरे साथ में बैठे इस गरीब किसान राकेश टिकैत की संपत्ति कितनी है? हमें तो नहीं पता, कितनी जांच करवाओ ना, कितनी है हमारी। तो सरकार से लगातार अपनी मांग कर रहे किसानों से तो संपत्ति का ब्यौरा मांगते नजर आते हैं, क्यों नेताओं से वो मांग नहीं करते जो किसी राज्य की सरकार गिरा देते हैं और किसी राज्य की बना देते हैं? उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं मांगा जाता कि सरकार बनाने से पहले कितनी थी और गिराने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई? ये सारे किसानों की संपत्ति हमारी तो है। ये तो आप किसान है, ये इनकी सब संपत्ति हमारी। ये तो इस सवाल से बचने का तरीका हुआ टिकैत साहब। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, तो यहाँ केजरीवाल जी नहीं है कि यहाँ पे आपको टेंट में एसी लगा हुआ मिलेगा, यहाँ सलाखे मिलेंगी अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं। ये वही नेता है जो हर थोड़ी देर में कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। देश में तीन कृषि कानूनों को लेकर अब तक घमासान जारी है। किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो तीन कृषि कानून जो उसने बनाए हैं उनको वो जल्द से जल्द वापस ले। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो किसान आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसान जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने वहाँ किसान संसद के नाम से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ये जो किसानों की है पार्लियामेंट के बाहर लगी है, सरकारी मोहर लगता बनी है और बैरिकेटिंग के भीतर भी बनी है। यहाँ से जो भी प्रस्ताव होंगे, यहाँ से प्रस्ताव ये होगा कि जो तीन काले कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये किसान पार्लियामेंट, किसान संसद जो चल रही है उनको कैंसिल करती है। ये प्रस्ताव हमारा यहाँ से आज जाएगा। आज जो बातचीत हो रही है वो बातचीत है मंडी के ऊपर। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफॉर्म जहां पे किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेच सके। दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी सी गए थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पर आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे, हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको बात माननी पड़ेगी, आप नहीं मानोगे हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है, यहाँ किसान के डॉक्टर है। तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद कर कहना, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे, हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। जिसमें रोज 200 किसान आकर बैठते हैं और वो लगातार सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो किसान कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वो वापस ले। देश की संसद में भी इसको लेकर घमासान जारी है। विपक्ष लगातार किसानों के हित की बात कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष किसानों के साथ है। पहले भी देश में हमेशा किसानों के साथ विपक्ष ही रहा है। देश की सरकार कभी भी किसानों के साथ खड़ी नजर नहीं आती है। यही वजह है कि किसान लगातार घाटे की खेती करता है और देश में महंगाई के खिलाफ भी वो मांग नहीं उठा सकता। अगर वो महंगाई के खिलाफ मांग उठाता है, जैसे कि डीजल या फिर गन्ने के दाम के उबड़ने की बात करता है, तो देश का मीडिया किसान नेताओं से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगने लगता है। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लो, जिसकी वजह से अब राकेश टिकैत मीडिया को मोदी विरोधी लगने लगे हैं। इसी वजह से उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। और शायद कभी चैनल में बैठने वाले एंकरों ने नहीं पूछा होगा सत्ता पक्ष के उन लोगों से जो उनके चैनल में आते हैं कि पेगासस की जांच वो क्यों नहीं करते हैं, राफेल पर खामोश क्यों नजर आते हैं, यहाँ तक कि फाइलें भी चोरी हो जाती हैं, और साथ ही महंगाई के मुद्दे को वो क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों बात नहीं करते हैं वो देश में पुलवामा की जांच की। तो सरकार से लगातार अपनी मांग कर रहे किसानों से तो संपत्ति का ब्यौरा मांगते नजर आते हैं, क्यों उन नेताओं से वो मांग नहीं करते जो किसी राज्य की सरकार गिरा देते हैं और किसी राज्य की बना देते हैं? उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं मांगा जाता कि सरकार बनाने से पहले कितनी थी और गिराने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई? क्यों कभी इन सवालों को लेकर एंकर नेताओं से बात करते नजर नहीं आते हैं? जब से किसानों ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ की सरहदों को वो घेरेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि वो उनका साथ दे जिससे कि कृषि कानून को वापस कराया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर किसान लखनऊ का घेराव करते हैं
तो यहाँ पर उनके लिए जेल भी तैयार है और सजाएं भी मुकर्रर करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो यहाँ केजरीवाल जी नहीं है कि यहाँ पे आपको टेंट में एसी लगा हुआ मिलेगा, यहाँ सलाखें मिलेंगी अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो। ये वही नेता है जो हर थोड़ी देर में कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। तो क्या लोकतंत्र में पीड़ितों, वंचितों और शोषितों को और किसानों को आवाज उठाने का हक नहीं है? क्या सरकार से वो अपनी मांग नहीं कर सकते? आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।